Hello everyone, myself Dr. Sandhya and I welcome you all in my YouTube channel. And today we will discuss about time independent Schrodinger wave equation. तो स्टूडेंट जैसे हमने लास्ट आर्टिकल में किया था कि जो Schrodinger wave equation है वह क्वांटम मैकेनिक्स का हम कह सकते हैं कि वन ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसके दो पार्ट हैं, एक आपका टाइम इंडिपेंडेंट Schrodinger wave equation है और एक टाइम डिपेंडेंट Schrodinger wave equation है. टाइम डिपेंडेंट Schrodinger wave equation है वो हम लास्ट वीडियो है उसमें कर चुके हैं, लिंक है मैं आप डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी. तो आज हम जो करेंगे वो है टाइम इंडिपेंडेंट Schrodinger wave इक्वेशन. जैसे लास्ट आर्टिकल हमने किया था तो उसमें हमने कहा था कि एक तरह से Schrodinger wave इक्वेशन है उसका रोल क्या होता है कि वेव फंक्शन है उसके बारे में वो इंफॉर्मेशन हमें देती है, ठीक है. और ये जो जनरली हम कहते हैं कि जो साई है वो फंक्शन किसका होता है, आपका पोजीशन कोऑर्डिनेट का होता है और टाइम कोऑर्डिनेट का होता है. तो टाइम डिपेंडेंट जो Schrodinger wave इक्वेशन की थी उसमें हमने देखा था कि साई का वेरिएशन है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी था और आपका जो मतलब पोजीशन कोऑर्डिनेट होते हैं उनके रिस्पेक्ट में भी था. अब आज हम कर रहे हैं टाइम इंडिपेंडेंट Schrodinger wave इक्वेशन. तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें हमारा क्या होगा, टाइम का कोई रोल नहीं होना चाहिए, ठीक है. सिर्फ और सिर्फ जो डिपेंडेंसी होगी वो किसकी होगी, आपकी जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है उनकी होगी. लेकिन ये किस तरह से ड्राइव करनी है वो हम शुरू करते हैं. व्हेन द हैमिल्टोनियन और द पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट डिपेंड अपॉन द टाइम एंड द फंक्शन ऑफ आर ओनली देन द टोटल एनर्जी विल बी कॉन्स्टेंट, ठीक है. हैमिल्टोनियन की बात करते हैं या फिर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं. अब जो हैमिल्टोनियन था वो हमारा क्या था, एक तरह से हमने क्या किया था टाइम डिपेंडेंट Schrodinger wave इक्वेशन में कि आईटा एच क्रॉस कर ली साई बे कर ली टी, ठीक है. जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी वो हमने क्या कहा था कि एक एनर्जी ऑपरेटर है और इधर जो स्पेशल जो कोऑर्डिनेट थे हमारे माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m एंड डेल स्क्वायर साई प्लस वी साई, ये वाला जो पोर्शन था हमने साई को अगर हम एलिमिनेट करते हैं तो राइट हैंड साइड में जो भी हमारा ऑपरेटर था वो हमारा क्या था, हैमिल्टोनियन था, ठीक है. तो एनर्जी के साथ अगर हम उसको इक्वेट कर रहे हैं तो एक तरह से ये भी हमारी क्या है, एनर्जी है. When the Hamiltonian and the potential energy does not depend upon the time and the function of R only, जब आपका Hamiltonian या फिर जो आप potential energy consider करके चल रहे हो वो आपका सिर्फ और सिर्फ position का जो function होगा, टाइम के ऊपर उसकी डिपेंडेंसी नहीं होगी, ठीक है. तो उस केस में हमारे लिए ये पॉसिबिलिटी है. फॉर दिस द जनरल सॉल्यूशन साई ऑफ आर टी कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ द टू सेपरेट फंक्शन ऑफ आर एंड टी ओनली. अब इन्होंने कहा कि अगर इस टाइप का कोई केस हम लेके चल रही है कि जिसमें आपका हैमिल्टोनियन एंड पोटेंशियल एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ आपका क्या होगा, पोजिशन कॉर्डिनेट है उनका फंक्शन होगा, टाइम डिपेंडेंसी उसकी नहीं है, तो हम जो साई है, जो साई एक्चुअल में अपना क्या होता है कि पोजिशन कॉर्डिनेट है उनके ऊपर भी डिपेंड करता है, जो टाइम कॉर्डिनेट है उनके ऊपर भी डिपेंड करता है. साई को हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन और वो फंक्शन है वो एक तरह से इंडिपेंडेंटली डिपेंड करते हैं आपके पोजिशन कॉर्डिनेट के ऊपर और आपके टाइम कॉर्डिनेट के ऊपर. तो इन्होंने क्या लिखा कि साई ऑफ आर टी इज इक्वल टू यू ऑफ आर एंड आपका क्या हो गया, एफ ऑफ टी हो गया, ठीक है. ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट इक्वेशन है. इन द ब्रीफ वी कैन से कि साई इज इक्वल टू यू एन एफ, जो साई है उसको हम क्या लिख सकते हैं, यू एन एफ, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन हमने समराइज्ड फॉर्म में लिख दिया यू एन एफ. इफ यू डिफरेंशिएट दिस विद द रिस्पेक्ट टू द पोजीशन कोऑर्डिनेट, अब अगर हम ऐसा करते हैं ये जो हमने अज्यूम किया है इसको हम पोजीशन कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं. अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, डेल साई इज इक्वल टू एफ है वो आपका किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है, ठीक है. तो वो एज ए कॉन्स्टेंट हम ट्रीट करेंगे और हमारा जो पोजीशन डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट है वो क्या हो गया, यू है, ये क्या हो जाएगा, डेल ऑफ यू. अब जो डिफरेंशिएशन आप नॉर्मल लेते हैं तो कर्ली बाय कर्ली एक्स लेते हैं, अगर आप सिर्फ एक कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में, पोजीशन डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में आप क्या करना चाहते हो, डिफरेंशिएट करना चाहते हो, ठीक है. और अगर हम तीनों भी डायमेंशन को कंसिडर करके चलते हैं तो उस टाइम पे जो डिफरेंशियल जो ऑपरेटर होता है हमारा वो क्या होता है, आपका डेल होता है. तो वो हमने क्या लिखा कि डेल साई इज इक्वल टू एफ डेल ऑफ यू. अब आपका क्या हो जाएगा, ये हमने एक बार डिफरेंशिएशन किया, अब अगर दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम लिखेंगे डेल स्केयर साई इज इक्वल टू एफ डेल स्केयर यू. ये हमारा सेकंड जो इक्वेशन है वो अपना क्या हो गया कि अगर हम डबल डेरिवेटिव लेते हैं इसका विद रिस्पेक्ट टू स्पेशल कोऑर्डिनेट तो ये अपना क्या हो जाएगा, कर्ली स्केयर साई, सॉरी डेल स्केयर साई इज इक्वल टू एफ डेल स्केयर यू,
ठीक है. एंड व्हेन वी टेक द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे तो फिर सी बात है जो यू डिपेंडेंट, यू हमारा है जो पोजीशन डिपेंडेंट कंपोनेंट है वो हमारा क्या हो जाएगा, एज ए कांस्टेंट हम ट्रीट करेंगे और हम डिफरेंशिएशन है वो किसका लेके चलेंगे, करली साई बाई करली टी इज इक्वल टू यू करली एफ बाई करली टी. ठीक है, ये हमारी क्या होगी, थर्ड इक्वेशन होगी. अब हम क्या कहेंगे कि जो स्क्रोडिंजर इक्वेशन है वो हमारे स्टैंडर्ड टाइम डिपेंडेंट स्क्रोडिंजर इक्वेशन है वो क्या होती है कि आइटा एच क्रॉस करली साई बाई करली टी इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्केयर डिवाइडेड बाई टू एम डेल्स की साई प्लस वी साई. ये हमारी जो फोर्थ इक्वेशन है वो क्या होती है, स्क्रोडिंजर इक्वेशन होती है टाइम डिपेंडेंट. अब हमें क्या करना है कि जो अपना करली साई बाई करली टी है इसकी वैल्यू और जो अपना डेल्स की साई है इन दोनों की वैल्यू हमें क्या करनी है, पुट करनी है इस इक्वेशन नंबर फोर्थ के अंदर. ठीक है, ये पुट करोगे तो आपका करली साई बाई करली टी है वो आपका क्या था, यू करली एफ बाई करली टी इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस के डिवाइडेड बाई टू एम एंड एफ डेल्स के यू प्लस वी. अब आप वी है वो आपका पोटेंशियल एनर्जी, वहां सिंपली वो कोई डिफरेंशियल ऑपरेटर नहीं होता तो हम साई को एज इट इज लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ एफ एंड यू. ठीक है, ये इक्वेशन क्या होगी आपकी, फिफ्थ होगी. अब हम कर सकते हैं कि इस पूरी इक्वेशन को, ये जो हमारी है इस पूरी इक्वेशन को हमने क्या कर दिया, यू एंड एफ जो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन था साई हम कह सकते हैं, इसे हमने क्या किया थ्रू आउट इसको डिवाइड कर दिया. अब थ्रू आउट जब आप डिवाइड करोगे तो अपना क्या हो जाएगा, इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, एटा एच क्रॉस यू कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा एफ एंड कर लिए एफ बाई करली टी इज इक्वल टू वन बाई क्यू एंड माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू एम एंड डेल्स की यू प्लस वी यू. ये हमें क्या मिलेगी, सिक्स्थ इक्वेशन. अब इसने क्या कहा कि लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन सिक्स्थ इज द फंक्शन ऑफ टी ओनली. अब जो लेफ्ट हैंड साइड का जो पोर्शन है वो हमारा किसका फंक्शन है, सिर्फ और सिर्फ जो टाइम डिपेंडेंट फंक्शन है कोऑर्डिनेट हम कह सकते हैं उनका फंक्शन है, और जो राइट हैंड साइड है उसमें क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ जो पोजिशन कोऑर्डिनेट है उनका फंक्शन है. अब इन्होंने क्या कहा कि ये आपका टाइम डिपेंडेंट फंक्शन है और कोऑर्डिनेट्स हैं यहाँ पे, और ये अपना क्या होगा को पूरा पोजिशन डिपेंडेंट पोर्शन है, और हम इन दोनों को इक्वेट कर रहे हैं तो एक सेपरेटली हम किसी थर्ड कांस्टेंट के साथ हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं. ठीक है, और वो कांस्टेंट है वो इन्होंने क्या अज्यूम किया है, दैट इज कैपिटल ई, देन द इक्वेशन ऑफ फॉर द एफ विल बी. तो हम क्या करेंगे, मतलब सेपरेटली अपना जो लेफ्ट हैंड साइड का पोर्शन है उसको भी हम इक्वल टू ई रखेंगे, और जो अपना जो राइट हैंड साइड का जो फंक्शन है इसको भी हम क्या रखेंगे, इक्वल टू ई रखेंगे. तो ये आपका क्या हो जाएगा, आइटा एच क्रॉस एफ एंड करली एफ बाई करली टी इज इक्वल टू ई हो गया. ठीक है, सेम उसी तरह से हम इस पूरे पार्ट को हम क्या करेंगे, इक्वल टू ई पुट करेंगे. तो हमने क्या किया, सिंप्लीफाई कर दिया इसको, करली एफ बाई करली एफ बाई करली एफ करली एफ बाई एफ इज इक्वल टू माइनस आइटा ई डिवाइडेड बाई एच क्रॉस एंड डी टी हमारा क्या चलेगा, राइट हैंड साइड में. अब सिंपली इसको क्या किया है, इंटीग्रेट किया है. इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, लॉग ऑफ एफ इज इक्वल टू माइनस आइटा ई डिवाइडेड बाई एच क्रॉस, और साथ में क्या हो जाएगा आपका डी टी का इंटीग्रेशन आपका टी हो जाएगा, और साथ में क्या हो गया हमारा कॉन्स्टेंट हो गया. अब इन्होंने क्या कर लिया, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर लिया, एफ ऑफ टी. अब अगर हम इसकी बात कर रहे हैं जो कि एक टाइम का फंक्शन है, तो एफ ऑफ टी है विल बी इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो एक्सपोनेंशियल माइनस ई आइटा ई टी एंड डिवाइडेड बाई आपका एच क्रॉस हो गया. ये अपनी क्या होगी, इक्वेशन नंबर सेवन्थ. ये हमने क्या कह दिया कि अगर हम जो फंक्शन हम एफ को अज्यूम कर रहे थे, जो टाइम डिपेंडेंट पोर्शन है वो हमारा ये इस सेवन्थ इक्वेशन में हमें मिल गया, और अब एफ ऑफ जीरो है वो यहाँ पे एक तरह से क्या है, कॉन्स्टेंट है. अब हम सेम वही चीज हम किसके लिए करेंगे, यू के लिए करेंगे. जो राइट हैंड साइड की जो भी कंपोनेंट था हमारा, जो स्पेशल डिपेंडेंट पोर्शन था स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन का, उसको हमने क्या कर दिया, ई के इक्वल रख दिया. अब ई के इक्वल रखा है तो यहाँ पे जो वन बाई यू था वो यू यहाँ पे क्या हो गया, इधर आ गया आपके राइट हैंड साइड में. दिस इज द होमोजेनियस इक्वेशन इन यू. अब ये आपकी क्या है, होमोजेनियस इक्वेशन यू में है, और इसका सोल्यूशन इन्होंने क्या कहा कि क्या हो जाएगा, एक तरह से आपका यू जो पोजिशन डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट है सिर्फ वही आएगा. अब साई है, साई को हम लिख सकते हैं कि जो यू के कोरस्पॉन्डिंग आपने जो वैल्यू फाइंड आउट की है वो, और जो आपका जो एफ के कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू मिली है वो, हम उन दोनों की प्रोडक्ट की फॉर्म में साई को लिख सकते हैं, क्योंकि हमने शुरू में अज्यूम ही ये किया है कि साई है वो हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन विच इज स्पेशल डिपेंडेंट एंड आपका
टाइम डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, साई ऑफ आर टी इज इक्वल टू यू ऑफ आर एन एक्सपोनेंशियल आइटा ई टी एंड डिवाइडेड बाई आपका क्या हो गया एच क्रॉस, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि एफ ऑफ जीरो जो हमने यहाँ पे मर्ज कर दिया, तो वो एक तरह से इन्होंने मर्ज करने के लिए, वो क्योंकि एक क्या था कॉन्स्टेंट था, उस कॉन्स्टेंट को इसने क्या किया कि यू को नॉर्मलाइज करने के लिए हमने उसको क्या किया है यूज किया है, और साई की जो ये वैल्यू है ये अपने क्या होगी इक्वेशन नंबर 8 में रिप्रेजेंट कर दी। अब हमें क्या मिल गया, साई मिल गया। अब अगर हम साई मिल गया तो इसकी क्या कर सकते हैं, पोजिशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इसके कोरस्पॉन्डिंग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है वो क्या होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ साई स्केयर, या फिर हम कह सकते हैं साई साई स्टार, जो कि क्या होता है आपका साई का मैग्नीट्यूड इसका स्केयर होता है। अब हम यहाँ पे इसका स्केयर करेंगे, जो एक्सपोनेंशियल डिपेंडेंट जो पोर्शन अपना अब साई के अंदर आया है, उसके अंदर क्या हो गया कि साई के अंदर अपने पास दो पोर्शन है, एक आपका क्या हो गया यू ऑफ आर हो गया, एंड सेकेंड वन अपना क्या है कि एक्सपोनेंशियल डिपेंडेंट पोर्शन है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि भाई ये वाला जो एक्सपोनेंशियल डिपेंडेंट पोर्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा कैंसल आउट हो गया, और वो कैंसल आउट होने के बाद अब फाइनली अपने पास क्या बचेगा यू ऑफ आर टी एंड स्केयर, ठीक है। दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, और इसमें अब टाइम डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट अपना है वो नहीं है, तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है वो हमारी क्या होगी एच यू ऑफ आर इज इक्वल टू ई यू ऑफ आर, ठीक है। यहाँ पे यू ऑफ आर है वो क्या होगा आइगन फंक्शन एंड इन टर्म ऑफ साई, अब की आइगन फंक्शन की फॉर्म में आप लिख सकते हो एच यू ऑफ आर एंड ई यू ऑफ आर, क्योंकि एक जो पोर्शन था वो अपना ई के इक्वल था, और एक पोर्शन था वो हमारा क्या था सिर्फ और सिर्फ पोजिशन कोऑर्डिनेट है, उसको हमने क्या कहा था एच, ठीक है। उसके कोरस्पॉन्डिंग हम जो वेव फंक्शन ले रहे हैं अब नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, वो अपना क्या होगा यू आर, और अगर आप किसके फॉर्म में बात करना चाहते हैं साई के फॉर्म में बात करना चाहते हैं तो वो आपका क्या हो जाएगा एच साई ऑफ आर इज इक्वल टू ई साई ऑफ आर। फिर आप यहाँ पे बताओगे कि h है वो आपका क्या होता है माइनस h क्रॉस स्केयर डिवाइड बाई 2m एंड डेल स्केयर प्लस v, ठीक है। v यहाँ पे क्या है पोटेंशियल एनर्जी है, एंड ये जो कंप्लीट जो ब्रैकेट में जो क्वांटिटी है, ठीक है, कि माइनस h क्रॉस स्केयर डिवाइड बाई 2m एंड डेल स्केयर प्लस v, वो अपना क्या हो जाएगा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। दिस इज द टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जो अब हमारी एच साई इज इक्वल टू ई साई है, ये वाली जो इक्वेशन होगी जो इक्वेशन 10 से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो अपनी क्या है टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, क्योंकि हमने क्या कहा है कि ई साई है वो अपना क्या है एस साई के इक्वल है, और एच आपका जो पोर्शन है सिर्फ ई तो आपका क्या हो गया कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है, ठीक है, और एच है वो क्वांटिटी है जिसमें पोजिशन हमने पोटेंशियल शुरू में अज्यूम किया था कि वो टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, सिर्फ पोजिशन कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहा है, तो ये भी चीज है वो क्या हो गया आपका टाइम से फ्री है, और यहाँ पे जो हम वेरिएशन ले रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसका है पोजिशन कोऑर्डिनेट का है, तो ये आपका क्या हो गया टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। आई जस्ट होप आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आप लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू।